नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव उत्तराखंड में। मैं हूं श्वेता वर्मा आपके साथ। नेपाल ने बुधवार को क्रिकेट जगत में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच डाला। अमेरिका को मैच 35 रनों पर ढेर कर दिया। ये वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में संयुक्त रूप से न्यूनतम स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 2004 में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को इतने ही रनों पर ऑल आउट किया था। पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 30वें मुकाबले में ये अद्भुत रिकॉर्ड बना। नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड कीर्तिपुर में खेले गए इस मैच में अमेरिकी टीम 12 ओवरों में 35 रनों पर सिमट गई। नेपाल के स्टार लोग स्पिनर संदीप लामिछाने ने 16 रन देकर 6 विकेट निकाले, जबकि एक और स्पिनर सुशांत भारी ने 5 रन देकर 4 विकेट चटकाए। अमेरिका की पारी 72 गेंदों में ही खत्म हो गई। गेंदों की बात करें तो सबसे छोटी पारी रही है। इससे पहले सबसे कम गेंदों में पारी खत्म होने का रिकॉर्ड 2017 में बना था, जब अफगानिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम 83 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गई थी। ये मैच 104 गेंदों में खत्म हो गया, यानी परिणाम हासिल करने के लिहाज से ये सबसे कम गेंदों वाला वनडे इंटरनेशनल मैच रहा। अमेरिका की ओर से सिर्फ एक बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाया। सलामी बल्लेबाज जेवियर मार्शल ने 16 रन बनाए। इसके अलावा किसी अन्य ने 5 का अंक भी नहीं छुआ। टॉस जीतकर नेपाल ने अमेरिका को बल्लेबाजी दी थी। पहला विकेट शून्य पर गिरने के बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई थी। जवाब में नेपाल ने 5.2 ओवरों में 36 रन बनाकर ये मैच 8 विकेट से जीत लिया। क्रिकेट से जुड़ी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।